किस चीज का चलान भाई? मेरा हर दूसरे दिन आना जाना यहाँ से, और ये छोटा सा ट्रैक है, इस पर भी रॉन्ग साइड का चलान काटोगे क्या? ये केबल सिस्टम है, कैमरा हाल में है, रॉन्ग साइड का है, एक चलान हो जाएगा तेरा। और 24 साल चलता है, कल हो रहा है, कल ही कुछ है ना, मतलब नहीं मानो छोटा चलान कर देते हैं तेरा, ठीक है? कितने रुपए का होगा ये? 500 का है, यहाँ पर नहीं भरा जाएगा, पुलिस लाइन में भरा जाएगा। मतलब चाहे छोटा काटना हो काटोगे जरूर? क्या फायदा है सर? कुछ नहीं, बस थोड़ी सेफ्टी ज्यादा है। सेफ्टी ज्यादा है? ये लग रहा है इसमें। अच्छा ये 10 जने चले गए मेरे सामने, इनका भी कटना था या मैं ही लपेटना था? सामने का है वो सैनिटाइजर लगाऊं हूं इधर Hey everyone, my name is Yogesh and welcome to my channel. So today is 16th of May 2020 and lockdown is still going on. तो अभी फ़िलहाल मैं पहले पेट्रोल पम्प जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें पेट्रोल भी नहीं डलवाया बाइक में, तो पहले पेट्रोल डलवाता हूँ फिर बात करता हूँ आगे। काफ़ी टाइम बाद मैंने पेट्रोल डलवाया बाइक में, एक्चुअली लॉकडाउन के बाद डलवाया नहीं है, लॉकडाउन से पहले इसमें पेट्रोल डला था, उसके बाद आज डलाया। सो एनीवे कमिंग टू द टॉपिक, कुछ घर का सामान लेना था तो उसके लिए निकला था मैं, एंड आज स्टार्टिंग कुछ अच्छी नहीं हुई, पुलिस वालों ने मेरे को रुकवाया एंड मेरा छोटा सा चलान भी कट गया रॉन्ग साइड का। और एक प्रॉब्लम मुझे ये भी लगी कि उन्होंने मेरा ही चलान काटा, और मैं जब वहाँ पे खड़ा था और मेरे बाद भी काफ़ी सारे व्हीकल गए थे रॉन्ग साइड से ही, उनको नहीं रोका उन्होंने। सो पता नहीं क्या चक्कर था, मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंशनली उन्होंने काटा ही है कि रुकवा लिया, तब तो काटना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ पर बनता नहीं है रॉन्ग साइड का, वहाँ पर मैं रेगुलर जाता रहता हूँ, वो छोटा सा ही कट है वो, और वैसे भी रूरल एरिया है वो, साथ में गाँव है उसके, तो वहाँ पे इतना कोई रॉन्ग साइड का चक्कर है नहीं। बट उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई नहीं, छोटा चलान कर देते हैं, मतलब यार कि रुकवा लिया तो काटना ही है मतलब चलान, मतलब ये समझ नहीं आया मेरे को चक्कर। चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट वीक में देखते हैं, अब जाना पड़ेगा कोर्ट आरसी लेने के लिए। सो अभी फ़िलहाल मैं मार्केट में जा रहा हूँ, जो सामान मंगवाया था घर वालों ने वो लेना है, एंड देन वापस घर आ जाऊंगा। और केसेस भी मतलब इंडिया में काफ़ी हो गए हैं, अराउंड 80,000 हो चुके हैं आज की डेट में, 16th ऑफ मे डेट है आज।
एंड हाँ, लॉकडाउन में भी कुछ रिलैक्सेशन मिला है, काफ़ी सारी शॉप्स अभी खुली हुई है, जो मैकेनिक वगैरह की शॉप्स थी वो भी सब खुली हुई है। अब 10 दिन में मार्केट में काफ़ी कुछ खुल चुका है। 10 दिन पहले की मेरी वीडियो देखना, यहाँ पे सब कुछ शॉप्स बंद थी, आई थिंक एक दो दुकान ही खुली हुई थी, यहाँ पे एक दो शॉप खुली हुई थी, बट अभी काफ़ी सारी शॉप खुली हुई है एज यू कैन सी। सो धीरे धीरे खुल रहा है, अब लाइन पे आ रहे हैं, बट कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो पता नहीं अभी क्या होगा यार, मैं क्या बोलूँ। और भैया क्या हाल है, क्या हो गए? सही तो यार, अभी तो फिलहाल बढ़ भी तो रहा है धीरे धीरे। एक वो सरसों की तेल की मंगवाई थी मम्मी ने, खत्म। अब सामान आ नहीं रहा है काफी सारा। अच्छा, 17 के बाद अब स्टार्ट होएगा। खुल तो है नहीं यार। तो अभी भी थोड़ा बहुत सामान ही मिला है, अभी भी बोल रहे हैं कि पूरा सामान आ नहीं रहा है पीछे से ड्यू टू लॉकडाउन। वो तो ऑब्वियसली बात है यार, लॉकडाउन की वजह से आधा सामान आ नहीं रहा है पीछे से, तो जितना सामान मिला मैंने ले लिया। एंड सब बोल रहे हैं 17 के बाद थोड़ा सा मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा और सामान आएगा पीछे से थोड़ा सा, और अब देखते हैं 17 को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा लॉकडाउन में, पूरा खुलेगा या नहीं, या फिर जैसे भी होगा वो तो सबको पता चल ही जाएगा। और इस बाइक को मैंने 14 से 15 दिन बाद निकाला है आज बाहर, 14 से 15 दिन तक खड़ी थी ऐसे। लास्ट टाइम मैंने लास्ट मंथ में ही निकाली थी ये बाइक। अभी तो फ़िलहाल मुझे लग नहीं रहा कि 2-3 महीने तक कुछ राइड का प्लान होगा, पर देखते हैं अभी, लेट्स सी। तो अभी देखते हैं कब खुलेगा लॉकडाउन, अच्छे से हम ट्रैवल कब कर पाएंगे, तो बनाते हैं अच्छी सी राइड का प्लान उसके बाद। इनफैक्ट मैंने बाहर जाने के लिए लॉन्ग राइड के लिए प्लान्स बना रखे थे अप्रैल मई में, वो सारा ख़त्म हो गया यू नो, एंड अब मुझे ऐसे ही ब्लॉग्स डालने पड़ रहे हैं छोटी छोटी राइड्स के। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और लाइक कर देना वीडियो, और मेरा इंस्टाग्राम का हैंडलर यहाँ पर आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो इस पर भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। कुछ भी मेरे को क्वेश्चन पूछना आपको बाइक के बारे में, बाइक के रिगार्डिंग, तो मेरे को वहाँ पे DM कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।